हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप फाइंड करना है हमें इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पर अरेंजमेंट देख सकते हैं, हमने क्या किया है, मैग्नेट्स रखे हैं नॉर्थ साउथ, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, राइट। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्लियर, नॉर्थ टू साउथ, राइट। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑल द टाइम। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप रखा है, ठीक है। इस लूप पी क्यू आर एस में करंट आई फ्लो हो रहा है, देख सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो इसकी साइड है, ये साइड यहाँ पर ये एल है, ए है, पी एस और क्यू आर की साइड ए है, और पी क्यू और आर एस की साइड जो है वो आपको एल देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन पी एस एंड क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड पी क्यू एंड क्यू आर, देखिए सॉरी, पी एस एंड क्यू आर, पी एस एंड क्यू आर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलीनियर, एंड कोलीनियर, राइट, दैट इज टू द एक्सिस ऑफ, टू द एक्सिस ऑफ लूप, राइट। आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, मान लीजिए वो अपवर्ड है, राइट। तो इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। मतलब ये दोनों जो फोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, या मान लीजिए ये फोर्स आपके लिए क्यू आर है, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स आपके लिए पी एस है, तो क्यू आर और पी एस फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन आएंगे, और ये सारे दोनों फोर्सेस जो हैं वो कोलिनियर है, मतलब इनको सेम एक्सिस ऑफ लाइन आप देख सकते हैं, राइट, एक्सिस ऑफ लूप कर। इस वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल्ड कर देंगे, मतलब यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, सो देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज जीरो। तो एक बात आपको समझनी है, रिजल्टेंट फोर्स बाय क्यू आर एंड पी एस इज जीरो हमें मिल रहा है, राइट। ये बात हमें यहाँ पर बराबर से याद रखनी है, राइट। चलिए अब देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है आपके लिए। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू आप निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या निकलेगा, हियर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑन पी क्यू इज आई एल बी, राइट, वाइल वाइल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑन आर एस इज आई एल बी, राइट, इज ऑल्सो आई एल बी, विच इज अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स ऑन पी क्यू। देखिए इसका मतलब क्या है, आप अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑल द टाइम इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में है, ये जो फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरफ रख लिया है। अब आप देखेंगे करंट जो है, करंट वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट आप अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये करंट दिखाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने इस तरफ रख ली है, करंट जो है वो आपका अपवर्ड है, देखिए यहाँ पर करंट जो है वो क्यू टू पी टू क्यू है, तो आप इस तरह से रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है ये फिंगर दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब देखिए कहाँ पर है, इनवर्ड है, विच इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो इनवर्ड फोर्स आपको यहां पर मिल रहा है विच इज आई एल बी, राइट। ये जो इनवर्ड फोर्स है वो आई एल बी है आपके लिए अंदर की ओर। तो यहां पर ये जो है इनवर्ड फोर्स दिखा रहा है। जब बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन साइड आर एस, तो आप देखेंगे वहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड आप ऐसे फिंगर रख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देखिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो फोर्स आपको कहां मिल रहा है, देखिए रेडियली आउटवर्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेडियली आउटवर्ड। तब आप देखेंगे ये दोनों जो फोर्स हैं, ये फोर्स है रेडियली इनवर्ड और ये जो फोर्स है रेडियली आउटवर्ड, तो ये दोनों फोर्स जो है कोलिनियर नहीं है, एक्टिंग ऑन आइदर एंड है। इस वजह से ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, कपल्ड फोर्स बनाते हैं। मतलब आप यहां पर क्या लिखेंगे, दे फॉर्म कपल ऑन लूप पी क्यू आर एस, राइट। क्या बनाएंगे, कपल्ड फोर्स बनाएंगे वहां पर, क्लियर। देख सकते हैं ये आइदर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इस वजह से एक फोर्स अंदर की ओर है, एक फोर्स अंदर की ओर है, दूसरा फोर्स बाहर की ओर है। इस वजह से ये लूप ऐसे बाहर निकलते हुए दिखेगा, मतलब यहां पर कपल्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। जब भी किसी बॉडी पर कपल्ड फोर्स एक्ट करता है मतलब उसके ऊपर क्या होता है, टॉर्क एक्ट होता है। तो हम देखिए यहां पर टॉर्क क्या निकालेंगे, इसके लिए मैं इसे रब कर देता हूं। टॉर्क निकालते हैं हम यहां पर, देखिए आप क्या लिखेंगे, कपल्ड फोर्सेस एक्ट टॉर्क ऑन लूप पी क्यू आर एस, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप इज, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स आपके लिए क्या है, फोर्स हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इट इज आई एल बी होगा आपके लिए, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, आप देखिए यहां पर अगर इस डायग्राम का टॉप व्यू आप देखेंगे तो उस टॉप व्यू को मैं यहां पर प्लॉट करता हूं, देखिए यहां पर प्लॉट करता हूं टॉप व्यू को, तो आप देखेंगे यहां पर इस एंड पर जो है, इस एंड पर आपको करंट जो है वो अप डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर जो करंट है वो आपको डाउन डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, ओके। यहां पर जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है आपका ये है इनवर्ड फोर्स, राइट, इनवर्ड, राइट। मैं इस डायरेक्शन को, इस पॉइंट को मैं बना रहा हूं, ठीक है, इनवर्ड फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है, और यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये आउटवर्ड है, राइट, ये क्या है, आउटवर्ड। तो आप देखिए अगर मैं इस साइड को यहां पर परपेंडिकुलर बनाना चाहूं तो देखिए इसका परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये साइड ए है, राइट, हमने ऑलरेडी बना रखा ये साइड क्या है, ए है, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहां पर ये जो बनने वाला एंगल है, राइट, तो ये एंगल जो है बिटवीन फोर्स एंड करंट, तो ये एंगल आपको थीटा यहां पर दिखाई दे रहा है, इस वजह से क्या होगा, देखिए साइन थीटा क्या लिखेंगे, आपको ये साइड फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये साइड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की निकलेगी, क्या निकलेगी, देखिए हाइपोटेनस आपके लिए ए है, यहां पर थीटा एंगल, मतलब ये होगा ए साइन थीटा, क्या होगा, ए साइन थीटा, ये साइड यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की निकलेगी। तो आपके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इट इज ए साइन थीटा होगा, ध्यान से समझिए क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को रब कर दूंगा, ठीक है, ओके, चलिए। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिला, ए साइन थीटा, उसे मैं यहां पर भी आपको लिए बता सकता हूं इस तरह से, राइट, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए और ये जो एंगल था हमारे लिए थीटा था, क्लियर। चलिए तो ये हमने बना लिया। अब आप देखेंगे यहां पर अगर हम इसे ऐसे लिखें तो आप देखेंगे आई एल ए बी साइन थीटा, मैंने थोड़ा इसको अरेंज किया है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए यहां पर ये क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होगा, ये एल इंटू ए आया, रेक्टेंगुलर लूप है, मतलब आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं, तो देखिए एल इंटू ए हुआ,
तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, इट इज बी साइन थीटा, आप लिख सकते हैं, एक्सक्यूज आपके पास रहेगा, दैट इज एरिया ए इज इक्वल टू एल इन टू ए, राइट, विच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। ये हमने टॉर्क निकाल लिया। देखिए, अगर यहाँ पर टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल में एन लूप्स हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए, फॉर एन टर्न्स क्या लिखेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन टर्न्स ऑफ लूप इज, इट इज एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। देखिए, तब एन आगे आकर हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर लूप विच इज एन आई ए बी साइन थीटा, क्लियर। चलिए, अब आप देखेंगे यहां पर हम मैग्नेटिक मोमेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे मैग्नेटिक मोमेंट, आप देख सकते हैं यहां पर एन आई ए है, तो ये एन आई ए, बट आप क्या लिखेंगे, एन आई ए इज इक्वल टू एम, राइट, विच इज मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, इसे आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाउ इज इक्वल टू, इट इज एम बी साइन थीटा हुआ, ये क्या हुआ आपके लिए, एम बी साइन थीटा, जिसे आप क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू, हियर इट इज एम क्रॉस बी, क्या होगा ये वेक्टर फॉर्म, क्या होगा, इट इज एम क्रॉस बी, क्लियर। चलिए, तो ये हमें टॉर्क मिल गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर। चलिए अब देखते हैं स्पेशल केसेस के, देखिए स्पेशल केसेस क्या बनेंगे इसके, स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस क्या बनता है, देखिए, इफ इफ थीटा एंगल इक्वल टू जीरो डिग्री, राइट, अगर थीटा एंगल आप जीरो डिग्री ले रहे हैं, राइट, और 180 ले रहे हैं, तब क्या होगा, देखिए यहां पर आप साइन जीरो या 180 रखेंगे तो क्या होगा, साइन जीरो और 180 दोनों क्या होता है, जीरो ही होता है, देन टाउ इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क इज जीरो, तब क्या होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए यहां पर ये नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से रखे हुए हैं और मैंने लूप इस तरह से रख दिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, इसका जो एरिया एलिमेंट मिलेगा वो हम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन मिलेंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से वो जीरो या 180 एंगल बना रहा होगा, तो टॉर्क दोनों ही केसेस में क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर। तो ये हुआ पहला स्पेशल केस। चलिए अब देखेंगे सेकेंड स्पेशल केस में क्या होगा, सेकेंड केस स्पेशल केस में देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 हो तब क्या होगा, देखिए then torque tau is equal to, here it is n i a लिख सकते हैं या तो आप इसे simply m b भी लिख सकते हैं, right, तो यहाँ पे n i a b हो जाएगा या तो इसे आप m b भी लिख सकते हैं। देखिए sin 90 यहाँ रखने पर ये हमें मिलेगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, when plane of loop is parallel, देखिए parallel to the magnetic field then maximum torque is acting on loop, right, torque के ऊपर maximum force लगेगा, clear। तो यहां पर ये हमारे लिए हुआ torque acting on current carrying loop inside magnetic field, uniform magnetic field, clear, thank you।